हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। हम काफ़ी टाइम के बाद आज न्यू व्लॉग बना रहे हैं। न्यू व्लॉग नहीं, हम ना घर का व्लॉग आज काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं। तो फिलहाल तो आज संडे है और कल है 15 अगस्त, मतलब 2 छुट्टियां हैं और किटू जी घर पर हैं, तो दैट मीन्स उनको कुछ ना कुछ नया खाने को चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं किट्टू जी क्या कर रहे हैं। हेलो किट्टू जी, से गुड मॉर्निंग टू आर गाइस। आज मैं जल्दी उठ गया तो मेरा ना आँखें दर्द हो रही हैं। पहली बार मैं 7 बजे उठ गया आज, संडे के संडे। तो सुदर्शन क्रिया करने गया और वहाँ पोपट हो गया मेरा, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सो सैड। मंदिर वाले से पूछा मैंने, कह रहा हूँ दिल्ली जा रहा था मैं, नो कोई नहीं आया, जय राम 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 ऐसे करो। चलो बोर मत करो। डैबी से हेलो, शेक हैंड। यस, ये गाइस की तरह, ये गाइस को इसने हेलो कर दिया है। हेलो करो, शेक हैंड करो, गुड बॉय करो ना। एक तो ये भी लल्लू ही है, कर ना हेलो, शेक हैंड, गुड बॉय, गुड बॉय। डैबी डैबी कुछ बोलो हमारे गाइस को। आप लाइक नहीं करते, हमें शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, बोल ना कुछ। अरे कुछ तो बोल, कैसा कुत्ता लिया तुमने, बोलता ही नहीं है कुछ। कुत्ते भी बोलते होते हैं, मतलब कहाँ से आई हो तुम? क्यों हस्की इतना बोलता है, आई लव यू, ये वो पागल बनाते हैं लोगों को। अच्छा कुछ नहीं बोलते, मेरे को तो लगा हस्की लिया तो कुछ हमारे हेल्प कर देगा। हस्की लिया तो तुम्हें खाना बना के देगा, मतलब तुम खाना तो अपना इसका बना दे, हम तो नहीं खाता, खाना नहीं खाता अपना, जितना मर्जी इसको हम चीज वो करके दे दे, बस इसको फेवरेट चीज जैसे चीज डाल दोगे तो ये खाना खा लेगा, वैसे कभी खाना नहीं खाता। और फिलहाल मैंने अपने कान्हा जी को भी रेडी कर लिया। ये रहे मेरे कान्हा जी, उनको मैंने आज जैम वाला बिस्किट दिया है। मेरे कान्हा जी का ना एक इयररिंग जो है वो गुम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस जन्माष्टमी पे उनको एक इयररिंग का पेयर गिफ्ट कर देती हूँ। एक कान में है और एक कान में नहीं है, तो हम किट्टू जी को पूछते हैं कि वो मान जाएंगे। आपसे एक बात करनी है। ये मैंने जो कान्हा जी के इयररिंग्स बनवाए थे ना, उसमें से एक इयररिंग ना निकल गया, तो आज चले कान्हा जी के इयररिंग्स लेने। मैं संडे है आज, कुछ करने का मन नहीं कर रहा मेरा आज। सारा दिन तो तुम ऑफिस होते हो, संडे तो मेरा होता है। क्या करूं? चलोगे मेरे साथ मार्केट? नहीं चलूंगा। ओके, पनीर के परांठे कैंसिल। नहीं, चलूंगा चलूंगा। गुड बॉय, ऐसे मनाना पड़ता है अगर आप मैरिड है तो, ऐसे मनाना पड़ता है पतियों को। तो गाइस आज डिमांड है कि पनीर के परांठे बनाने हैं। पनीर मैंने ये निकाल लिया है, प्याज भी मैं काट लेती हूँ, आटा मैंने गूंद लिया है, तो लेट्स प्रिपेयर पनीर का परांठा। एक होती है परोंठी, एक होता है जो इसे ये बनाती है, इसको परोंठी नहीं कहते, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। फायरवर्ड दी कि जा खा मर जा के ऐ करती है। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, पर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में। क्या कर रहे हो? ये देखो, हम ना हमने नया काम शुरू करा है, कॉफी और चाय का। ये है कॉफी, ये रोबस्टा बीन है। ये देखो बीन्स में फर्क होता है, देखो ये है ट्रिपल ए बीन्स, ये चेरी बीन्स। अब इसको हमने खेत से मंगाया, मतलब जहाँ पे उगते हैं, एक मतलब ग्रीन बीन्स मंगाए। एक चेरी होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक चेरी होती है, उसको चेरी को पिक करते हैं अपना पेड़ से, उसको जैसे उसकी किटक जो होती है वो ये चीज होती है, ये चीज अभी इसके अंदर है, ये चीज इतनी सी। अब इसको हम रोस्ट करेंगे, हमारे पास रोस्टिंग का जुगाड़ है, ये वाली चीज, इससे हम रोस्ट करेंगे। तो पॉपकॉर्न मेकर बेसिकली, तो इससे ये ऐसी हो जाएगी। तो अगर आप कॉफी पीते हो ना, तो आपको चाहिए कि
कैफे वाली कॉफी चाहिए है ना, तो ना कुछ नहीं करना आप, मतलब ये वाला हम जो देते हैं बैग के अंदर देते हैं, पहले क्या होता था ये वाली कॉफी पीने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, टी बैग अब हम कॉफी बैग बनाया हमने, उसको सीधा पानी में डालो, थोड़ी देर रखो और यू आर डन। अगर दूध में डालना है दूध में डालो, यू आर डन। एक में शुगर है एक में नहीं है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तुम्हारा बगैर उसके खरीद सकते हो शुगर के, अगर कॉफ़ी दूसरी पीनी है मान लो वो वाली दूध वाली और कैफे स्टाइल तो ये वाला बढ़िया एकदम मज़ा आएगा कॉफ़ी का और कैफाइन लेवल का मज़ा आ जाएगा, मतलब बढ़िया एकदम। तो टी भी है वो तरह की, TTT.in लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ये देखो कितने प्यारे बीन्स लग रहे हैं ये वाले, ये ट्रिपल ए बीन्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो किट्टू जी तो अब सो गए हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठी है ना, आदत नहीं है उठने की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने लिए ब्लू टी या रेड टी बनाई जाए, तो लेट्स मेक सम रेड टी। मैंने रेड टी का एक पाउडर बनाया हुआ है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। इसका जो एक स्पून है, स्पून हमने गर्म पानी में डाल देना है और इसको 5 मिनट तक बॉईल होने देना, उसके बाद छान के आप पी सकते हैं। अगर आप इस टी को लेना भी चाहते हैं तो लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। और हाँ, जिस टी बैग्स की हम बात कर रहे थे ना, कॉफ़ी के टी बैग की, वो ही टी बैग बना रही हूँ अब मैं, अब मैं बनाने लगी हूँ तो सोचा कि साथ साथ रेड टी पी लेती हूँ और साथ में टी बैग बना लेती हूँ। भाई साहब, दिल्ली का मौसम और डैबी हमारा बाहर आ चुका है, डैब पूरे मजे लेता है मौसम अच्छे होने के। अचानक दिल्ली का मौसम पता नहीं कैसा हो गया, हवा इतनी तेज़ चल रही है, डैबू मजे आ रहे हैं। ओए डैबू, डैब देखो, कोई मतलब नहीं है, इसको आराम से इंजॉय करेगा कि यहाँ पे बारिश आएगी तो भीग भी लेगा और नहलाने लगेंगे तो भीगेगा नहीं, जब नहलाने लगते हैं तो चिल्लाता है कि क्यों नहला रहे हो, और बारिश के पानी से खेलता रहेगा। डर तेरी बातें हो रही, तू जा रहा है, क्यों बेइज्जती करा रहा है मेरी, इधर आ गुड बच्चा डैबी, इंशा गुड बॉय डैबू, डैबी मजे आ रहे हैं, इसको देखो जरा फोन मौका, मौसम चेक करो गाइस, मौसम इज वेरी ऑसम। आज मैं सुबह जल्दी उठ तो गया लेकिन इतनी ज़बरदस्त नींद आई, मैं सभी तक सो ही रहा हूँ, मतलब कि 3 घंटे, मतलब 3-4 घंटे हो गए, बारिश आ गई नेरी आ गई लेकिन आई वॉज स्लीपिंग। तो अब हम खाएंगे मोमोज, कल हमने मोमोज के लिए वीडियो बनाया था, आपने सबने देखा होगा, पिछली वीडियो शायद वही होगी अगर एडिट हमने लाइन सर करा होगा तो उसमें हमने मोमोज लिए थे। ये देखो बहुत शानदार मोमो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। ये देखो ये कोठे मोमो, ये वेज मोमो, इसमें दूसरे प्याज वाले मोमो भी हैं, लेकिन एक गलती हो गई, उससे पैक तो हमें करा लिए रीपैक, लेकिन उन्होंने चटनी नहीं डाली, तो पिंकू जी ने मेहनत करके काफ़ी चटनी बनाई है दोस्तों, तो इतनी स्पाइसी बनाई है ना, तो अभी हम चटनी खाएंगे मोमो खाएंगे, मैंने साथ में मेयोनीज भी दी हुई है इसलिए कि स्पाइसी बनाई है। हाँ, कि मुझे तो स्पाइसी लगी। ये दूसरी कैसे हो गई इतना, अभी स्टीम किए दोबारा, कल इतने नहीं थे, आज एक्स्ट्रा जूसी हो गए, मजा आ गया। चटनी कैसी है, हुँ? सही है, हुँ? हुँ? मोमोज आपका पहला प्यार है, अब नहीं है, बहुत जबरदस्त मोमो खा लिया मैंने ना गाइस। सबसे पहले मेरा फेवरेट था पिज्जा, इतना पिज्जा खाया कि अब डोमिनोज देखने का दिल नहीं करता। हम पता क्या करते थे घर में, रोज पिज्जा, रोज पिज्जा, रोज पिज्जा। अब मोमोज, मोमोज मुझे इतना पसंद नहीं है पर इनको बहुत पसंद थे, और अब मुझे मोमो अच्छे हैं, एक्चुअल में हमें अब साल बाद खाने चाहिए, किसी किसी जगह के अच्छे हैं। हाँ, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमारा आज मोमोज हम रेडी से ले आए और खा लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो हम मोमोज खाते हैं। आए व्लॉग, मैंने कैमरा काफ़ी देर बार पकड़ा है, मतलब व्लॉग बनाने के लिए, डेली व्लॉग, तो मुझसे ना बन ही नहीं रहा था, तो इनिशिएटिव लिया इन्होंने, पिंकू जी ने स्टार्ट करा, थोड़ा थोड़ा मैं बना एंड अप करोगे। हाँ, मुझे कह रही बाकी तुम संभाल लो व्लॉग को। तो गाइस व्लॉग हम एंड करना भूल गए थे, तो ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है, 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, जहाँ पर हमें अमित भैया ने अपने घर पे इनवाइट किया था और वहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती की, पतंगे उड़ाई,
खाया पिया और बातें बातें की गपशप मारी, डांस किया, और बस यही था हमारा दिन। तो अब हम यहीं पर अपना व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ किटोपिंको व्लॉग्स।